सरकार ने एक योजना पर लगभग 5 करोड़ खर्च किया, मगर आज तक आम जनता ये नहीं समझ पाए कि आखिर इतना बजट खर्च कर बनाया क्या क्या। पहले शमशान घाट बना, फिर जब उसका उपयोग नहीं हुआ तो अधिकारियों ने उसे पार्क में तब्दील कर दिया। इसका भी जब कोई प्रयोग नहीं हुआ तो उसे बारात घर में बदल दिया, मगर उसका भी प्रयोग आज तक आम जनता नहीं कर पाई। मतलब सरकारी धन का इससे ज्यादा और जीता जागता दुरुपयोग का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। कुआनो नदी के अमहट घाट पर नगर पालिका की ओर से 4.65 करोड़ रुपए से अंतेषित स्थल का निर्माण कराया गया है, मगर 7 साल बाद भी इसका उपयोग नहीं हो सका। तत्कालीन डीएम आशुतोष निरंजन ने करीब 2 वर्ष पहले इस स्थल को बारात घर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे, मगर वित्तीय व तकनीकी कारणों से इसका स्वरूप नहीं बदला जा सका। नतीजतन अब तक इसमें अंतिम संस्कार हो सका और न शहनाई बच सकी, न ही पार्क के रूप में लोग इस जगह कभी आ पाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 में नगर पालिका ने अमहट घाट पर अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के 4.65 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर शासन ने सहमति दे दी, इसके बाद निर्माण शुरू हो गया। वर्ष 2015-16 में निर्माण पूरा हो गया, मगर आयुक्त कार्यालय के पास स्थित अंत्येष्टि स्थल के संचालन की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसी बीच नगर पालिका का चुनाव आ गया, नए अध्यक्ष ने शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया, बाद में इस पर मंथन शुरू किया तो तमाम तकनीकी पहलुओं के चलते रसाकसी होने लगी। शासन ने इसकी जांच भी कराई और मामला सदन तक गूंजा। सब कुछ ठीक होने के बाद तत्कालीन डीएम आशुतोष निरंजन ने अमहट घाट पर अंत्येष्टि स्थल को खारिज करते हुए नगर पालिका को इसका स्वरूप बदल कर बारात घर बनाने के निर्देश दिए। 2 वर्ष से वित्तीय व अन्य कारणों से इसका स्वरूप बदला नहीं जा सका। कुआनो नदी के अमहट घाट पर स्थापित अंत्येष्टि स्थल के स्वरूप को बदलने पर मंथन चल रहा है, इसके लिए वित्तीय व्यवस्था की जा रही है। तकनीकी पक्ष को व्यवस्थित कर प्रशासन के निर्देश के अनुसार इसका संचालन बारातघर के रूप में किया जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने इस प्रकरण को लेकर बताया। देखिए, इस प्रकरण की अभी तो जानकारी हुई है और ये 2016-17 से एक निर्माण किया गया था इसका, और इसमें अंत्येष्टि स्थल की बात हो रही थी, फिर पार्क के वहाँ पर, और लोग वहाँ पे अच्छे खासे में भक्त लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। वहाँ पे शमशान घाट का औचित्य ही नहीं था, जबकि यहाँ पे मूल घाट एक स्थान है जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है लोगों का, जिसको डेवलप करना चाहिए था, जिसको वहाँ डेवलप ना होकर के वहाँ पे जीड़ सीड़ अवस्था में मूल घाट यहाँ पड़ा हुआ, उस पर पैसा खर्च नहीं होता है, जबकि अनावश्यक का दुरुपयोग, सरकारी खर्च का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर शमशान घाट बनाया गया जो कि बिल्कुल कहीं भी अभी पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं वैसे की वैसा पड़ा हुआ है। बीच में डीएम साहब ने उसे पार्क घोषित किया था, लेकिन पार्क भी कहीं कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ, कहीं भी न झूले लगे न कुछ लगे। और हमारे ख्याल से वो पार्क के ही लायक वो स्थल है, क्योंकि वहाँ पे जो तीर्थ हमारे आते हैं, तमाम ऐसे भक्त आते हैं, तमाम परिवार आते हैं जो टहलने के लिए आते हैं। शायद अगर वो पार्क होता, असल में पार्क होता, तो निश्चित उसका सदुपयोग हो सकता था। हाँ, ये सुनाई पड़ा कि उसको बारात घर में अभी हमारी माननीय डीएम साहब ने बारात घर के लिए किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहाँ शमशान घाट का मामला हो, जहाँ शमशान घाट के नाम पर बना हुआ वो स्थल कहीं भी विवाह स्थल के रूप में हो सकता है। निश्चित ही लोग उस पर वहाँ पर जाने में वो होंगे, और एक किनारा है, बस्ती का बिल्कुल किनारा है, अमाट का घाट है, वहाँ पे हमकाल से शादी विवाह का उचित स्थल नहीं रहेगा, कायदे से उसे पार्क में ही तब्दील करना चाहिए। 14 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय यहाँ पर शमशान घाट के नाम पर यह परियोजना आई थी, लगभग 4 करोड़ या उससे ज़्यादा, और उसी समय के बाद से इसका निर्माण कार्य शुरू, और 2014 से आज 2022 है, तो 2022 के आते आते यहाँ पे शमशान घाट, उसके बाद पार्क, उसके बाद बारात घाट, वर्तमान में सुनाई पड़ रहा है कि बारात घर, लेकिन चूंकि यह नदी का किनारा है और यहाँ पे अंतिम संस्कार की ही क्रिया होती है, तो ऐसे में तो मुझको नहीं लगता कि यहाँ पर बारात घर होना उचित। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं और अभी तक इसको जनता का कोई लाभ इसका को नहीं मिल सका, और ऐसे में प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना रुपया सरकार का खर्च हो चुका है, पार्क ये अनायास के रूप में तो नहीं बनाया गया था, विवाह
ये नहीं, इसको बोर्ड में हम लोगों ने रखा था कि इसको परिवर्तित करके अंत्येष्टि स्थल से परिवर्तित करके इसको विभाग कर दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को भी लाभ होगा, नगर पालिका की भी आय हो जाएगी। इस पे 3 करोड़ रुपए लगभग बजट खर्च हुआ है। स्नातक के बगल में ही पूरी आबादी है, स्थानीय लोगों का विरोध है इस पे, और ये पब्लिक के या किसी की जानकारी में नहीं, ये बिल्कुल गोपनीय ढंग से प्रोजेक्ट को पास कराया गया। हाँ, माना जा सकता है कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग। हाँ, हम लोगों का ये है कि शानदार जगह है, इतना अच्छा नज़ारा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये समझ में आता है कि ये बना क्या है। यहाँ पे शासन का पैसा खर्चा हुआ है, 350 करोड़ रुपये खर्चे हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद देखते हैं, आप लोग खुद देखें, भैंस चल रही है, ये व्यवस्था अव्यवस्था ऐसी। शमशान घाट का उपयोग तो मेरे हिसाब से अभी तो नहीं हुआ है इसको। यहाँ पे जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरे हिसाब से यहाँ पे लोगों के लिए एक पार्क झूला होगा, ताकि यहाँ पे लोग आएँ, बैठें, टहलें, घूमें। इतना अच्छा जगह है, नदी किनारा है, यहाँ का जगह जो पैसे खर्चे हुए हैं उसका सदुपयोग।